हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एमडी गेमर पर। तो बच्चों, आज हम सिखाने वाले मैथ का 12.2 प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 12.2 का पहला सवाल, समान पदों को संयोजित मिला करके सरल कीजिए। मतलब कि इनको संयोजित है, इनको मिला करके सरल करना है। तो पहले मैं पहली रकम जो अपनी कॉपी पर लिखता हूँ, फिर आपको जो है कर कर मैं बताऊंगा। तो बच्चों, मैंने जो अपनी कॉपी पर जो है ये रकम लिख ली है, तो अब इसको हम जो है सरल करेंगे। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो जो है लाइक टर्म जो है आपको दिख रही होगी, ये देखिए इसके पीछे भी है। ये मतलब ये कांस्टेंट होता है और ये वेरिएबल हमारा होता है। तो कांस्टेंट को जो है थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं, और वेरिएबल हमारा जो है बी है, और इसको भी कांस्टेंट को हम टर्म उसको जो है ढक लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा वेरिएबल बी है और यहाँ पर भी हमारा वेरिएबल जो है बी है। तो जो माइनस और प्लस के सवाल में होता क्या है, लेकिन लाइक और अनलाइक टर्म को हमको ढूंढना होता है। जो लाइक होती है उनको एक जगह इकट्ठा करना होता है, और जो अनलाइक होती है, जैसे इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ना बी है ना कुछ भी नहीं है, इसके पीछे कोई कॉन्स्टेंट वो वेरिएबल टर्म नहीं है। तो ये इसके पीछे जो है, ये तीनों के पीछे वेरिएबल टर्म एक जैसी है बी। तो हम जो है इसको जोड़ लेंगे, तो 21 पहले जो है प्लस की जो है रकमों को जोड़ेंगे, 7 और 21, तो हमारा जो है यहाँ पर 28 जो है हमारा यहाँ पर 28 भी लिखा जाएगा। और यहाँ पर प्लस का निशान है, यहाँ पर भी प्लस का निशान है, तो प्लस ही आएगा। अगर प्लस लगाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर आप लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो। तो अभी इसको जो है हमको इकट्ठा करना है, पहले इनको लिख लेते हैं एक जगह। ये माइनस पहले हमको इसके साथ इकट्ठा करना है, तो इसको यहीं पर ही लिख देंगे ऐसे करके। और ये -32, तो अब जो है इसका ये कांस्टेंट टर्म वो वेरिएबल एक ही जैसी है, तो अब इनको जोड़ देंगे। तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, अगर जहाँ पर प्लस होता ऐसे करके, तो यहाँ पर भी यहाँ पर हम जोड़ते, तो प्लस और माइनस अलग अलग निशान है, तो हम घटाएंगे यहाँ पर। तो बी का जो है हम बी लिख देंगे, क्योंकि बी से जो है ये जोड़कर हुए हैं इकट्ठे, तो घटाना है इनको। तो 28 में से 20 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 8। और आपको बड़ी टर्म ढूंढनी है, मतलब कि इनमें से कौन सी बड़ी टर्म है, तो ये 28 और ये 20 है। तो 28 जो है इससे बड़ा है 20 से, तो प्लस का ही निशान लगेगा। अगर जो यहाँ पर 28 होता तो माइनस का निशान लगता, मतलब कि जो बड़ा होता है उसी का निशान लगेगा। तो ये प्लस का मैंने निशान लगा दिया, इनको मैंने घटा दिया है बी का बी, क्योंकि बी से जो है ये घटे हैं। तो -32, तो ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा, और हमारा उत्तर यही आएगा, क्योंकि इसके पीछे कोई भी वेरिएबल एक जैसा नहीं है इन दोनों के पीछे। यहाँ पर बी होता तो इनको जोड़ सकते थे, यानी कि घटा सकते थे, क्योंकि माइनस का यहाँ पर प्लस का, तो इसके पीछे कुछ नहीं है। तो वैसी की वैसी जो है ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो दूसरा सवाल करते हैं अभी इसका। तो बच्चों, दूसरा सवाल जो है हमको ये वाला हमको जो है लिखना है दूसरा सवाल। तो चलिए ये नहीं करते, मैंने इसका इस मतलब कि इस पहले का पहला कर दिया है, तो अभी जोड़िए का मतलब कि दूसरे का हम जो बड़े वाला करते हैं, सबसे फिफ्थ करते हैं। चलो फिफ्थ, ये फिफ्थ है, हम इसको जो है आपको करके दिखाएंगे। अब ध्यान से इसको जो है समझिएगा, तो मैं इसको कॉपी पर लिख लेता हूँ बच्चों। तो बच्चों, मैंने इसको जो है फिफ्थ को जो है यहाँ पर लिख लिया है। तो इसमें मतलब कि जो दूसरे सवाल में दिया गया, मतलब कि जो इसका मैंने ये ऑप्शन ये लिखा है, तो उनको इनको हमें जो जोड़ना है, तो यहाँ पर जोड़ी लिखा है, तो इनको जोड़ते चलो। तो इससे पहले मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन के बटन को जो है आप दबा दीजिएगा,
तो और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि शेयर से ही जो है बच्चों को ज्ञान ज़्यादा मिलता है। तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूरत से भी ज़्यादा कर दीजिएगा। तो अब इसको हमको जो है जोड़ना है, तो लाइक टर्म जो है पहले ढूंढेंगे, तो इसके पीछे एक्स है, इसके पीछे वाई है, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं है। इसके पीछे एक्स वाई है, तो ये भी नहीं है। इसके पीछे 13 कोमा दे रखा शायद, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। हाँ तो गाइस यहाँ पर जो है कोमा 18 दे रखा है और -7x, तो इसके पीछे x है, इसके पीछे x है, तो ये लाइक टर्म हो गई। तो आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी जो है हमें कोई लाइक टर्म नहीं मिली, तो ये दो ही जो है लाइक टर्म होती है। पहले इनको जो हम जोड़ लेते हैं x के टर्म को, तो x का तो x ही जो हमारा रहेगा, क्योंकि x से ये जो है जुड़ने वाला है। तो ये माइनस की है, ये माइनस का 7x है और ये प्लस का x 14x है। तो प्लस और माइनस तो अलग अलग निशान है, तो जो है ये घटेंगे। तो 14 में से 7 जाएगा, तो 7 होएगा 7, और बड़ा जो है हमारा 14 है, 7 छोटा है, तो 14 बड़ा है, तो 14 प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस का ही निशान लगेगा। और प्लस के निशान लगाने की कोई ज़रूरत होती नहीं, अगर आप लगाना चाहो तो लगा भी सकते हैं। तो x की जो हमने लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लिए हैं, तो अब जो है 10y की, मतलब कि y की जो हम करेंगे, तो प्लस का निशान जो है आप लगा देंगे क्योंकि प्लस है। तो अब जो y की टर्म को जो हम इकट्ठा करेंगे, तो y एक ही ये मिल गई है, एक तो है ही, तो ये एक्स वाई है, ये लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि इसके यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, पर यहाँ पर x नहीं है, तो लाइक टर्म नहीं हो सकती। अगर जो मान लो इसके ऊपर जो दो पावर, मतलब कि एक्स नहीं होता, मान लीजिए एक्स नहीं होता और इसके ऊपर दो पावर होती और इसके ऊपर पावर नहीं होती, तो आप जो इसको लाइक टर्म बताते, पर नहीं ये लाइक टर्म नहीं है। अगर जो इसके पीछे ऊपर भी दो पावर होती और इसके ऊपर भी दो पावर होती और ये एक्स नहीं होता, तो ये लाइक टर्म जो है हमारी हो सकती थी। तो अभी ये लाइक टर्म नहीं है, इसको काट देते हैं। तो अभी एक्स वाई मान के चलिए, तो वाई की टर्म को जो है हमको इकट्ठा करना है। तो ये एक्स वाई है, ये भी लाइक टर्म नहीं है, ये भी इनके पास, इनके पीछे तो वेरिएबल है ही नहीं। तो 7x इनको तो मैंने इकट्ठा कर ही लिया, अभी इसको काट देते हैं, मतलब कि जो हमने इकट्ठा कर लिया उनको हम काट देंगे, ऐसे काट देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इकट्ठा ये कर चुके हैं। तो 10y जो है लाइक टर्म है इससे, तो 8xy और 4xy, तो ये भी लाइक टर्म नहीं है। तो दो लाइक टर्म जो हमको यहाँ पर मिली हुई है वाई की, तो ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 10 है। तो प्लस और माइनस जो है, प्लस और माइनस अलग अलग निशान है, तो जो है ये घटेंगे। तो 10 में से 10 गया तो 0 ही आएगा, हमारा जो है 0 ही आया, और y से इकट्ठे हुए, तो यहाँ पर y हम लिख देंगे। तो इससे मतलब कि ना इसको हम इससे भी काट सकते हैं, क्योंकि इसको लिखने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी, 0 को हम कभी भी लिखते नहीं हैं। तो इसको और इसको हम जो है काट देंगे, तो जो है ये कट चुका है। तो y की टर्म तो मतलब कि ख़त्म ही हो चुकी है बिल्कुल, क्योंकि 0 आ गया था यहाँ पर, तो 0 मतलब कि ख़त्म ही हो जाती है। तो अब xy की टर्म को जो है हम ढूंढेंगे, तो ये xy की टर्म है एक, ये तो कट ही चुके हैं, और ये दो जगह पर xy के टर्म्स है। तो अब इनको 12-12xy और +8xy को जो है हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे नहीं मतलब घटाएंगे, क्योंकि प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस जो है घटते हैं, लेकिन अलग अलग निशान होते हैं तो वो घटते हैं। तो 12 में से जो है हम 8 को घटाएंगे, तो 12 में से जो 8 जाएगा, तो बचेगा 4 और किससे इकट्ठे हुए, x और y से। तो x और y जो हम लिख देंगे यहाँ पर,
और माइनस का जो है बड़ा किसका है, मतलब कि एट तो छोटा है प्लस का और माइनस का ट्वेल्व बड़ा है, तो क्योंकि ट्वेल्व बड़ा है और एट छोटा है तो माइनस का ही निशान लगेगा, क्योंकि ट्वेल्व बड़ा है और ट्वेल्व है माइनस का, तो माइनस का निशान जो है यहाँ पर लगेगा। तो आगे चलते हैं, तो अब यहाँ पर फोर एक्स वाई बचा हुआ है, तो इसको पहले ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, तो ये कॉमा में दे रखा है, तो फोर एक्स वाई जो हम लिख लेंगे, एक्स वाई और इनको भी जो है लिख लेंगे अलग, क्योंकि ये दोनों बचे हैं और ये कट चुके हैं, ये दोनों कट चुके हैं अब, तो ये दोनों बचे हुए हैं तो इनको भी यहाँ पर लिख लेंगे माइनस थर्टीन और एटीन कोमा लगा के, तो ये पूरे जो ऊपर से सब कट चुके हैं, तो अब इनको सोल्ड करना है हमको, तो ये सेवन एक्स का तो यहीं पर ही रहेगा क्योंकि इसका कोई इलेक्ट्रम यहाँ पर मिल है नहीं, तो ये इलेक्ट्रम आपको दिखती है, तो इनको जो है हम अब जोड़ेंगे, तो यहाँ पर प्लस निशान लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर जोड़िए लिखा है तो हमको जोड़ना है इनको, तो माइनस फोर एक्स और प्लस फोर एक्स वाई, तो सॉरी यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, तो ये कट जाएगा, मतलब कि फोर एक्स वाई और ये प्लस फोर एक्स वाई, माइनस फोर एक्स वाई प्लस एक्स फोर एक्स वाई, तो अलग अलग निशान होते थे घट कट जाएंगे, जैसे मैंने ऊपर जो है वो काटे थे। अगर जो आपको यहाँ पर अलग अलग निशान दिखे और टर्म एक जैसी हो, जैसे फोर फोर एक्स एक्स वाई वाई, तो और माइनस के अलग अलग निशान हो तो इनको काट देंगे, अगर पर प्लस का होता तो जोड़ते, क्योंकि प्लस और प्लस जोड़ होता है और माइनस भी जोड़ होता है, तो इनको जोड़ते, तो अभी अलग अलग निशान है तो इनको काट देंगे दोनों को, तो एक पूरा हो चुका है, तो यहाँ पर माइनस थर्टीन बचा है और एटीन बचा है, तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे हम इसकी जगह पर, तो सेवन एक्स, और तो आपको यहाँ पर जो इनके पीछे कोई टर्म नहीं दिख, वो जो वेरिएबल नहीं दिख रहा है ना इसके पीछे, तो ये मतलब कि लाइक टर्म है, तो इनको जो है घटाएंगे, क्योंकि अलग अलग निशान है प्लस और माइनस, तो इनको हम घटाएंगे, तो चलो इनको घटाते हैं, जो है 18 में से जो है 13 को जो है हम घटाने वाले, तो यहाँ पर जो पाँच आएगा, तो पाँच आएगा और प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ा जो है 18 है तो प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस का आएगा, तो ये हमारा जो है उत्तर है, और इसको हम आगे नहीं ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो ये इलेक्ट्रम नहीं, अनलाइक्ट्रम है, अनलाइक्ट्रम है, ये लाइक्ट्रम बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों जो है हमने 12.2 जो है दो इनके जो पार्ट करे हैं, तो अगर जो आपको अगले इनके पार्ट जो आपको चाहिए हो, तो मेरे चैनल को जो है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो पर, धन्यवाद।